स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर यूनिट वन, चैप्टर वन, टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बाय अक्षय शर्मा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटलाइटिक प्रॉपर्टीज फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सीरीज के, ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। बढ़ाने का जरूरी नहीं है कि ये बढ़ाएगा ही, कुछ रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन रेट को घटा भी देता है। रिएक्शन को स्लो करना, रिएक्शन को फास्ट करना, ये दोनों काम होते हैं कैटलिस्ट के। तो कैटलिस्ट कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस दैट एल्टर रेट ऑफ ए रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस। कैटलिस्ट जो है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट, जब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे तो ये एंड में खुद जू के तो बचे रह जाएंगे, पर जो रिएक्टेंट है उनको प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देंगे जल्दी। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं कैटालिसिस प्रोसेस एग्जिबिट करते हैं। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू प्रोवाइड टू द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को जब ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे और उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी। तो ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट कैटालिसिस बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट्स टू बी एड्जॉर्ब्ड। कैटलिस्ट जो हैं मेनली दो टाइप में डिवाइड करे गए, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जो होमोजीनियस कैटलिस्ट हैं उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। एक फेज में होंगे जब रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट है, चाहे वो सॉलिड फेज हो, चाहे लिक्विड फेज हो, चाहे गैस फेज हो, तो उस प्रोसेस को होमोजीनियस कैटालिसिस बोला जाएगा। जो कैटलिस्ट हैं वे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द सिस्टम इन होमोजीनियस सिस्टम। और होमोजीनियस कैटलिस्ट की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो मेन ये है, ट्रांजिशन मेटल आयंस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे एज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि होमोजीनियस कैटलिसिस के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। कंसिडरिंग द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस, रिएक्शन बिटवीन आयरन प्लस थ्री एंड वेनेडियम प्लस थ्री, द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय Cu2 पॉजिटिव। ये रिएक्शन जो है आयरन की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट और वेनेडियम की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में कैटलाइज करी जाती है बाय कॉपर। पहले स्टेप में क्या होगा, कॉपर और वेनेडियम प्लस थ्री रिएक्शन करेंगे तो वेनेडियम प्लस थ्री का ऑक्सीडेशन हो जाएगा V4 पॉजिटिव के अंदर और Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो जाएगा Cu1 पॉजिटिव के अंदर। और जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव रिएक्ट करेगा Cu1 पॉजिटिव के साथ और यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा टू Fe2 पॉजिटिव और कॉपर 1 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव के अंदर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, Fe3 पॉजिटिव रिएक्ट विद V3 पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव एंड फॉर्म Fe2 पॉजिटिव आयन एंड वेनेडियम 4 पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन का। इन हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन ओलेफिन्स और एल्कीन्स रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड बनाने के लिए एल्कीन रिएक्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ और जो इसमें कैटलिस्ट यूज होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोबाल्ट का, जिसका फॉर्मूला होता है COH ब्रैकेट के अंदर CO होल 4। यहाँ जो पहले वाला CO है वो कोबाल्ट है, H हाइड्रोजन है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड के चार मॉलिक्यूल हैं। और एग्जांपल में रिएक्शन समझते हैं, प्रोपीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा ली इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट, तो क्या बनता है, ब्यूटेनल बनेगा। तीन कार्बन तो प्रोपीन के पास थे और फोर्थ कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है और चार कार्बन का एल्डिहाइड बन जाता है इस हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन के अंदर। नाउ कंसीडर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज
इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर कैटालाइज्ड और जो रिएक्टेंट्स हैं दोनों अलग अलग फेज के अंदर होते हैं, और हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं कैटालाइज्ड की सिर्फ सतह पर एडजॉर्ब होते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखती है। इसका यूज़ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ गैस बनाने के लिए लार्ज स्केल के ऊपर, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, इथीन का रिडक्शन करवाते हैं टू फॉर्म एल्केन्स, यानी कि इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करी गई इन प्रेजेंस ऑफ निकिल टू फॉर्म इथेन। यहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं सब गैस फॉर्म के अंदर हैं, पर जो निकिल एज कैटलिस्ट यूज़ किया गया वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। ये क्या करेगा, इथीन गैस को एडजॉर्ब कर लेगा, हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेगा और इथेन प्रोडक्ट बना देगा, और एंड में खुद जू का तू बचा रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ टू फॉर्म NO3। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनाने के लिए ये जो रिएक्शन है स्लो रिएक्शन होती है, पर इसको फास्ट करने के लिए हम आयरन का यूज़ करते हैं एज कैटलाइस्ट। और जो तीसरा एग्जांपल है वो है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन करवाना टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, वेनेडियम पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। ये इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में। अनदर इम्पोर्टेंट प्रोसेस इज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की आपस में रिएक्शन करवाई जाती है टू फॉर्म अमोनिया गैस। अमोनिया गैस की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन को हम हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर। और ये जो रिएक्शन है काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है, तो इसको फास्ट करने के लिए आयरन यूज होता है एज कैटलिस्ट। और जो फिफ्थ एग्जाम्पल है उसके अंदर कार्बन मोनोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड विच आर कैटलिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है मिथेनॉल की गैस फॉर्म। तो यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, गैस फॉर्म के अंदर है, और जो कैटलिस्ट यूज़ किया गया है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो छोटे नॉन मेटेलिक एटम जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। जो इनकी मेटेलिक आयंस के अंदर खाली जगह, जिसको हम होल्स बोलते हैं, वो जगह बन जाती है, और ये छोटे एटम उन छोटी जगहों पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेटल की प्योरिटी है वो घट जाती है, इसके अंदर क्या आ जाती है, थोड़ी सी इम्प्योरिटी। और इससे क्या होगा, वो जो प्योर मेटल है ट्रांजिशन एलिमेंट का, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, और ये स्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं जिनको हम इंटरस्टीशियल कंपाउंड बोलते हैं। बाय डेफिनेशन एन इंटरस्टीशियल कंपाउंड और इंटरस्टीशियल एलॉय इज ए कंपाउंड विच इज़ फॉर्म वैन एन एटम ऑफ सफिशियंटली स्मॉल रेडियस सिट्स इन एन इंटरस्टीशियल होल और इंटरस्टीशियल साइट ऑफ द मेटल लेटाइस। ये जो इंटरस्टीशियल कंपाउंड बनते हैं ये अपने ओरिजिनल ट्रांजिशन मेटल से रिजेंबल करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, पर इनके अंदर चेंज कहाँ आता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जैसे कि डेंसिटी, हार्डनेस और कंडक्टिविटी, इनके अंदर चेंज आता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो स्टील है और जो कास्ट आयरन है ये दोनों हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड विद कार्बन एटम। और इंटरस्टीशियल कंपाउंड के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो जनरली दो तरीके से क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, या तो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग रखेंगे या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग रखेंगे। और जो वॉइड्स की संख्या होती है वो किस तरीके से होती है, पहला दो टेट्राहेड्रल होल्स हो सकते हैं एक मेटल के अंदर, या दूसरा एक ऑक्टाहेड्रल होल हो सकता है मेटल एटम के अंदर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म न्यूमरस एलॉयज।
फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज एन एलोय. एन एलोय इज ए मिक्सचर और सॉलिड सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मेटल्स. 3D सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, सिर्फ 12-15% का उनके बीच में डिफरेंस होता है साइज के अंदर. तो क्या होता है, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं ये मेटल्स आसानी से और एलोय बना लेते हैं. जब एक मेटल एटम के अलग कुछ एटम्स को हम रिप्लेस कर लेते हैं या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं दूसरे मेटल एटम से, तो उस टाइप के एलोय को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल एलोय. इसका एग्जांपल है ब्रोंज और ब्रास. ब्रोंज के अंदर कॉपर एटम को सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है टिन के एटम द्वारा, और ब्रास के अंदर कॉपर एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है जिंक के द्वारा. तो ये बन जाते हैं सब्स्टिट्यूशनल एलोयज. और दूसरी तरफ जब इंटरस्टीशियल मैकेनिज्म होती है, यानी कि वन एटम इज यूजुअली मच स्मॉलर देन द अदर सो कैन नॉट सक्सेसफुली रिप्लेस एन एटम, द स्मॉलर एटम्स बिकम ट्रैप इन द स्पेसेस बिटवीन द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल मैट्रिक्स, दीज साइट्स आर कॉल्ड इंटरस्टाइस या फिर इंटरस्टीशियल साइट्स एंड द एलोय फॉर्म आर इंटरस्टीशियल एलोय. जब एक मेटल एटम को छोटे मेटल एटम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते, रिप्लेस नहीं कर पाते, पर उनके स्मॉलर साइज होने की वजह से वो मेटल की जो एम्प्टी साइड्स हैं उनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, तो उस टाइम जो एलोय फॉर्म होता है उसको इंटरस्टीशियल एलोय बोल सकते हैं. इसका एग्जांपल होता है स्टील. स्टील के अंदर क्या करते हैं, छोटे जो कार्बन एटम्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इंटरस्टीशियल साइट्स में आयरन के मैट्रिक्स के अंदर, और जो स्टेनलेस स्टील बनता है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है. कॉम्बिनेशन किसका, इंटरस्टीशियल एलोय और सब्स्टिट्यूशनल एलोयस का, क्योंकि जो कार्बन एटम होते हैं वो फिट कर जाते हैं इंटरस्टीशियल साइट में आयरन के. तो इससे तो इंटरस्टीशियल एलोय हो गया, पर कुछ आयरन एटम्स रिप्लेस या सब्स्टिट्यूटेड भी कर लिए जाते हैं बाय निकिल एंड क्रोमियम एटम्स. सो स्टेनलेस स्टील इज ए कंबाइंड एग्जांपल ऑफ इंटरस्टीशियल एलोय एंड सब्स्टिट्यूशनल एलोय. तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस कैटालिटिक प्रॉपर्टीज बाय फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एलोयस. दैट्स इट इन दिस वीडियो. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.